आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत हुई। प्रदेश भर में बड़ी धूमधाम से माताओं बहनों ने छठ व्रत पूजा की शुरुआत की। पहले दिन नहाए खाए हो गया और अब आज खरना है। आप सभी को खरना की भी हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व पर सीएम योगी बोले कि सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें। नदी जलाशय गांठों की साफ सफाई को लेकर भी जायजा लिया और छठ पूजा के लिए प्रयागराज के रास्ते भी 9 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की गई है। प्रदेश भर में 300 से भी ज्यादा ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे शुरू किए गए ताकि यात्रियों को आने जाने में परेशानी ना हो। वरना देखिए ये कुछ तस्वीरें आप अलग अलग जगहों की। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर में बिहार जाने वाली 200 ट्रेनें फुल हैं। वीआईपी कोटे भी फेल हो रहे हैं। एसी जनरल की तरह भरे हुए हैं। हालात ये कि बाथरूम में खड़े होकर लोग ट्रेनों का सफर कर रहे हैं। अच्छा वैसे ट्रेनों की बात हो रही तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में रेलवे की एक नई और अनोखी पहल। अब ट्रेन के किसी भी डिब्बे में आग लगते ही ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लग जाएंगी और तेजी से अलार्म भी बजने लगेगा। झांसी की 8 ट्रेनों में फायर एंड स्मोक डिटेक्शन डिवाइस लगाई गई है और धीरे धीरे प्रदेश भर की ट्रेनों में ये डिवाइस लगाई जाएगी। क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा यूपी में इटावा आगरा वगैरह के रूट पर चलने वाली रेलगाड़ियों में आग लगने की घटनाएं सामने आई थी, है ना। तो उसके बाद यूपी रेलवे की तरफ से ये शानदार कदम उठाया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर है। यूपी में सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए सख्त। बोले अब रोड की 5 साल की गारंटी तय होगी। ठेके से दूर रहे माफिया। यूपी में घटिया क्वालिटी की सड़क निर्माण पर कार्यवाही करते हुए सीएम योगी ने ठेकेदारों को सख्त चेतावनी दी और कहा कि कम से कम 5 साल तक सड़क की गारंटी देनी होगी। और बड़ी खबर देखिए, कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक शानदार फैसला लिया। अब हर महीने बैठक करेंगे अधिकारी। जी हां, उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों व कर्मचारी संगठनों की मांगों और समस्याओं को लेकर हर महीने अधिकारी बैठक करेंगे, सुनेंगे और उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए बड़ी घोषणा कर दी है सीएम योगी ने। यूपी के भूमि पूजन समारोह में होगा 15 लाख करोड़ का निवेश, जिससे प्रदेश में 1 करोड़ 10 लाख नए रोजगार भी सृजित होंगे। GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद भी उत्तर प्रदेश में निवेश के लगातार प्रस्ताव मिल रहे हैं। सीएम योगी ने दावा किया कि अब तक 39 लाख करोड़ से भी ज्यादा के MOU साइन हो चुके हैं। प्रदेश में विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, डेटा सेंटर, एजुकेशन, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में भरकर निवेश आ रहे हैं, जिससे प्रदेश में करोड़ों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर रोक लगाने के लिए अब एग्जाम रूम में नाइट विजन कैमरे भी लगाए जाएंगे और परीक्षा केंद्रों की दूरी को लेकर नियमों में भी बदलाव हुआ है। छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र 12 किलोमीटर और छात्राओं के लिए 7 किलोमीटर की दूरी पर बनाए जाएंगे। साथ ही यूपी बोर्ड एग्जाम में परीक्षार्थियों की फेस रीडिंग कराने की भी तैयारी की जा रही है, जिससे कि फर्जी छात्रों पर लगाम लगाई जा सके। और वहीं उत्तर प्रदेश बोर्ड में इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख घोषित हो चुकी है। 2 चरणों में होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम। यूपी बोर्ड के 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 25 जनवरी से शुरू होगी और दूसरा चरण 2 फरवरी से 9 फरवरी के बीच होगा। और भी ज्यादा जानकारी आप इस बारे में यूपी बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों। अगर आप आगरा के ताजमहल घूमने जाते हो तो अब आपको टिकट नहीं लेना पड़ेगा, फ्री में एंट्री मिलेगी। दरअसल बात कुछ यूं है कि विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है और इसके चलते 19 से 25 सितंबर तक आगरा के ताजमहल में प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। पुरातत्व विभाग और पर्यटन विभाग की तरफ से मिलकर ये नई पहल शुरू की गई है। और बड़ी खबर है, यूपी में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले पर देखिए अब कोर्ट ने एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी सचिव से 48 घंटे में अनुपालन हलफनामा मांगा है और साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई को नियुक्ति संबंधित कार्य प्रगति के बारे में जानकारी देने को भी कोर्ट ने आदेश जारी किया है। चलिए खबर है, गोरखपुर के रामगढ़ ताल में जल्द ही चलने लगेगा क्रूज। इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग ने लिया ट्रायल, जल्द ही संचालन की मंजूरी मिलेगी और आप गोरखपुर में क्रूज की सवारी का आनंद ले पाएंगे। इससे पर्यटकों को भी बढ़ावा मिलेगा। और खबर है, वाराणसी में ज्ञानव्यापी सर्वे रिपोर्ट के लिए 15 दिन का और वक्त मांगा। ASI की एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होगी। 250 अवशेषों को भी कोर्ट में रखा जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 3 अस्पतालों को मिला बजट। ब्लड बैंक की सुविधाओं में होगा इजाफा यानी कि बढ़ोतरी। मिर्जापुर की CHC में भी डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई जाएगी। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए हैं। और अयोध्या में भी देखिए दोस्तों, मेडिकल कॉलेज में अब कैंसर की जांच शुरू हो चुकी है। 1 घंटे में 250 मरीजों का सैंपल लिया जाएगा। सांसद लल्लू सिंह ने इस मशीन का उद्घाटन किया, ये देख सकते हैं आप मशीन भी। अयोध्या मेडिकल कॉलेज में सेंट्रल पैथोलॉजी लैब में ये आधुनिक मशीन लगा दी गई है। चलिए बड़ी खबर है, यूपी में शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के नियम का विरोध किया। पूरे प्रदेश के सभी BEO कार्यालय में धरना देंगे। हाल ही में आपको बताऊंगा योगी सरकार की तरफ से ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने का नियम जारी किया था बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा। तो प्रदेश भर में शिक्षक अब इस पायलट प्रोजेक्ट का विरोध भी कर रहे हैं। और वहीं दोस्तों 22 तारीख से देव उठनी एकादशी से ही शादियों की शुरुआत हो जाएगी। लखनऊ का ये आंकड़ा आ रहा है, देखिए आप 22 से बैंड बाजा बारात की शुरुआत होगी। 24 दिन के अंदर अंदर 45,000 शादियां होगी सिर्फ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और खबर देखिए, औरैया में महिलाओं को तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं दोस्तों कि तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और इसके पत्तों को चाय काढ़ा में डालकर पीने से असाध्य बीमारियां भी दूर होती हैं। अब यूपी में एक सेवा समिति द्वारा हर घर तुलसी का पौधा पहुंचाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगली खबर है, दिवाली बाद
बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, भीड़ इतनी कि सुरक्षा कर्मियों के भी पसीने छूट गए। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, यमुना एक्सप्रेस वे पर MSME टॉय और हैंडीक्राफ्ट पार्क में लगेगी 109 नई इंडस्ट्री। इससे एक्सप्रेस वे के किनारे उद्योगों का विकास होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बड़ी खबर है, गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए सांसदों से मांगा गया समय, इसी महीने संचालन शुरू करने की तैयारी है। अम्बेडकर नगर में अकबरपुर परिवहन डिपो में शामिल होगी 25 नई बसें। अनुबंधित बसों के चालक और परिचालक खुद रखेंगे बस मालिक, इसको लेकर प्रक्रिया भी शुरू हुई। और वहीं देखिए, यातायात पुलिस व परिवहन निगम ने ई रिक्शों के खिलाफ अभियान चलाया। बिना पंजीकरण और ओवरलोडिंग के सड़कों पर दौड़ती मिली 30 ई रिक्शों को सीज भी किया। हापुड़ में ये RTO की तरफ से अभियान चलाया गया। अच्छा, प्रदेश में IPS के तबादलों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। CM योगी अभी चुनावी सिलसिले में दूसरे राज्यों के दौरे पर हैं। जैसे ही वो UP आते हैं उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। खबर है, मिर्जापुर में पुलिस कर्मियों ने दंगा नियंत्रण उपकरण का अभ्यास किया। परेड ग्राउंड पर जवानों ने दौड़ लगाई, SP ने ली परेड की सलामी। आजमगढ़ के 24 पुलिस कर्मियों को मिला मेडल। मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित SWAT प्रभारी को हर महीने मिलेगा 1,000 रूपए का अलग से भत्ता भी। कानपुर में जक्करकट्टी तालाब का होगा रीडेवलपमेंट। बस अड्डे के किनारे स्थित 3.5 हेक्टेयर में होगी वाटर और कल्चरल एक्टिविटी भी। UP में औद्योगिक और कॉमर्शियल प्लॉट्स लेने का मौका, ई ऑक्शन के जरिए होगी नीलामी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों में प्लॉट आवंटन के जरिए औद्योगिक व आर्थिक विकास को गति देने के लिए ये ई नीलामी शुरू करने जा रही है। 2 चरणों में ये ई नीलामी होगी। ज्यादा जानकारी आप यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा अलग अलग जिलों के बारे में। और दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। मैं आपको योगी सरकार के कुछ बड़े ऐलान, नए नियम के बारे में बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, समय ना गंवाते हुए सीधे आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, बीते कुछ महीनों में यूपी के बाजार में सस्ते हुए मसाले, जीरा के दाम में भी गिरावट आई। अभी और दाम गिर सकते हैं। गर्म मसाला का बाजार भी अभी ठंडा चल रहा है। और देखिए, किसान भाई लोगों के लिए योगी सरकार की बड़ी सौगात, प्रोसेसिंग यूनिट को मंजूरी दी, 10 लाख की गाड़ी भी मिलेगी। हमीरपुर में मोटे अनाज के किसानों के लिए सीएम योगी ने ये बड़ा फैसला लिया है। मोटे अनाज से तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए 10 लाख रुपए की कीमत का वाहन भी दिया जाएगा किसान भाई लोगों के लिए। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। खबर देखिए, फिरोजाबाद में DAP खाद के लिए मारामारी, किसानों की लगी लाइन, सचिव पर आरोप भी लगाए गए। और ऐसे औरैया समेत प्रदेश के कई जिलों में खाद के लिए समिति में किसानों की मारामारी देखी जा रही है, क्योंकि डिमांड से बहुत कम खाद सप्लाई हो पा रहा है। और खबर है दोस्तों, आने वाले अनुपूरक बजट 2024 में योगी सरकार किसानों के लिए खोलेगी खजाना। किसानों को खुश करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती है, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। बताया जा रहा है कि 40,000 करोड़ के करीब हो सकता है अनुपूरक बजट का आकार। और खबर है, UAE अफ्रीका ने नैनो टेक्नोलॉजी वाली खाद की जानकारी दी। IIT कानपुर की ज्यादा उपज व कम पानी वाली खाद पर विदेशी वैज्ञानिक भी भरोसा जता रहे हैं, पसंद आ रही है, सैंपल भी अपने साथ ले गए। और खबर है, आम आदमी पार्टी ने देवेंद्र सिंह को बनाया दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष। गाजियाबाद के ये पहले जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। अन्ना आंदोलन से पहले निकाली थी मशाल यात्रा भी। और राजस्थान के जोधपुर में आज BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और वसुंधरा राजे की चुनावी सभा होगी। योगी आदित्यनाथ का रोड शो कैंसिल किया गया। सीएम योगी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी मतलब विकास और समृद्धि, कांग्रेस सिर्फ सत्ता की भूखी है। राजस्थान के कोटा बूंदी में ये विशाल जनसभा का आयोजन किया सीएम योगी ने और इस दौरान ये बातें कही। बड़ी खबर है, योगी सरकार यूपी में लंबित मामलों पर हुई सख्त, लापरवाही करने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी। यूपी में संपत्ति के अभी 1,68,000 से भी ज्यादा मामले लटके हुए हैं। तो अब मुख्यमंत्री ने संपत्ति बंटवारे के मामलों को जल्दी से निपटाने के बारे में आदेश जारी किया और जानकारी भी मंगाई है। राजस्थान चुनाव दौरे पर सीएम योगी ने कहा कि भ्रष्टाचारी नेताओं की जमानत जब्त करवाई है। केकड़ी पहुँच इशारों में योगी ने कसे रघु शर्मा पर तंज। बड़ी खबर है, किसानों के लिए राहत की खबर, चीनी मिलों ने शुरू किया गन्ना मूल्य का भुगतान। प्रदेश की ज्यादातर चीनी मिलें गन्ना का भुगतान कर चुकी हैं और अब मेरठ जनपद की 3 और बुलंदशहर की 1 और शुगर मिल ने गन्ने का 49,57,00,000 रुपए का भुगतान किसानों को कर दिया है। और बड़ी खबर देखिए, बिजली विभाग ने शुरू की वसूली का नया तरीका। उपभोक्ताओं के परिसर के सामने उनका नाम और बकाया राशि की अनाउंसमेंट करेंगे, उनके एरिया में, उनके गली मोहल्ले में जाकर। फतेहपुर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की ये नई पहल है। बड़ी खबर है, ललितपुर बल्क ड्रग्स पार्क में रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा। CSIR और DRDO इसके नॉलेज पार्टनर भी बनेंगे। इसके लिए सीएम योगी ने रिसर्च इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए MOU भी साइन किए हैं। और उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की एक और नई पहल देखिए। स्कूल में गुरुजी रखेंगे बच्चों के वजन, लंबाई और उनके स्वास्थ्य के सारे मानकों का हिसाब किताब भी। स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए अब बच्चों की ये डिटेल्स भी टीचर्स को अवेयर कर रखनी होगी, उनका नाम, जन्म तारीख, ब्लड ग्रुप और उनकी सारी हेल्थ डिटेल। चलिए, खबर है, जल्द ही जारी होंगे PhD स्टूडेंट्स के रिजल्ट। कोरोना और विवाद के चलते 6 महीने का कोर्स 4.5 साल में भी नहीं हो सका। और अब खबर है कि DDO में PhD के स्टूडेंट्स के लंबित परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। और वहीं देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के 350 पदों पर होगी भर्ती। राजकीय महाविद्यालयों में इनके कुल 743 पद खाली हैं और जल्द ही इस पर नई भर्ती भी निकलने वाली है। इस संबंध
संबंध में यूपीपीएससी को अधियाचन भी भेजा गया। चलिए एक और नया प्लान देखिए, नो स्कूल बैग, पढ़ाई के घंटे कम। यूपी सरकार की तरफ से नया एजुकेशन प्लान भी तैयार किया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट छात्र छात्राओं के पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए अब नया नियम बनाया जाएगा। स्कूलों में एक सप्ताह में कुल 29 घंटे पढ़ाई होगी। सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे के बीच कक्षाएं संचालित होगी। हर महीने शनिवार रविवार को अवकाश की तैयारी भी की जा रही है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। साथ ही अलग अलग तिथियों पर नो बैग पॉलिसी भी लागू होगी। साल में लगभग 10 दिन तक बच्चों को बैग नहीं ले जाना होगा स्कूल में। ऐसा तो जल्द ही नर्सरी से लेकर 8वीं तक के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के लिए ये नियम बदले जाएंगे। और खबर है दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय का 28वां दीक्षांत समारोह 29 नवंबर को मनाया जाएगा। 123 प्रतिभाओं को स्वर्ण पदक दिया जाएगा और 1858 छात्र छात्राओं को उपाधियां, डिग्री वगैरह भी दी जाएगी। चलिए खबर है, नोएडा कमिश्नरेट से 283 पुलिस कर्मी रिलीव होंगे, आदेश जारी हुआ। इसमें 47 इंस्पेक्टर, 136 दरोगा और 130 हेड कांस्टेबल भी शामिल हैं। खबर है, जौनपुर मेडिकल कॉलेज में ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन शुरू हुए। 4 काउंटरों पर मिल रही सुविधा, QR कोड स्कैन करके भी लगा सकते हैं नंबर। गोंडा में डेंगू जांच के नाम पर खुलेआम लूट का मामला सामने आया। अवैध पैथोलॉजी वाले 1500 रुपए तक की वसूली करने, अब CMO ने जांच के आदेश भी दिए हैं। बड़ी खबर है, गर्भावस्था के दौरान हो सकता है जेस्टेशनल डायबिटीज का जोखिम। 26,411 महिलाओं ने जांच कराई जिसमें से 429 में ये लक्षण भी मिले। अलीगढ़ को मिले 10 नए डॉक्टर्स की तैनाती। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया। लखनऊ में अग्निवीर भर्ती का दूसरा दिन, 6 जिलों के 1130 अभ्यर्थी शामिल हुए। मध्य कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर भी पहुंचे। BRD मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। गोरखपुर में अपने दोस्तों से मिलने आए थे, अचानक तबीयत बिगड़ने से जमीन पर गिर पड़े। देखिए लोगों का स्वास्थ्य कितना कमजोर होता जा रहा, डॉक्टर खुद हार्ट अटैक से जा रहे हैं। कानपुर में भी धूल और धुआं से आंखों के मरीजों की संख्या बढ़ी। ओपीडी में रोज पहुंच रहे 250 मरीज। कानपुर में आंखों में लालिमा और जलन से लोग बाग परेशान है। यूपी में डेंगू के इसी साल कुल 22,555 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 236 नए संक्रमित आए, सबसे ज्यादा लखनऊ कानपुर में आए। और देखिए स्वास्थ्य कर्मियों ने योगी सरकार से गुहार लगाई कि हम लोगों को बीमारी से बचाते हैं, आप हमें गुंडों से बचाइए। क्योंकि कई लोग अस्पताल में आकर दादागिरी लगाते हैं, डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों ने CM योगी से ये गुहार की है। हाथरस में एक हेड कांस्टेबल की डेंगू से हुई मौत। 15 दिन से तबीयत खराब थी, आखिरकार वो भगवान को प्यारे हो गए। डेंगू भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा, सावधान रहे आप भी। दिवाली के बाद फिर डेंगू मरीजों की तादाद बढ़ रही। देखिए बरेली में भी आंकड़ा 900 के पार पहुंच चुका है। बड़ी खबर है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, मिर्गी का इलाज संभव है। झाड़ फूंक, अंधविश्वास, भोपाल वगैरह के चक्कर में भी ना पड़े, क्योंकि मिर्गी एक मेडिकल बीमारी है। और इसीलिए नेशनल एपिलेप्सी यानी कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेशवासियों को अलर्ट भी किया है। अगर मिर्गी के दौरे झटके आते हैं तो समस्या को हल्के में ना लें, तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं। ये मिर्गी की बीमारी क्या है, मिर्गी आने पर क्या करना चाहिए, कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत में ठंड इससे बढ़ेगी। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आसपास के तटीय इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बारिश भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती तूफान उठा है जिसका नाम है मिथिली साइक्लोन। इसका असर बंगाल, उड़ीसा समेत देश के 8 राज्यों में पड़ेगा। यूपी के भी कई जिलों में ठंड बढ़ेगी, बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि छठ पर्व के बाद ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है, इसलिए ठंड को लेकर अभी तैयार हो जाएं आप। और बड़ी खबर है, योगी सरकार ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बड़ा तोहफा दिया। वर्ल्ड कप फाइनल से पहले अचानक योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मद शमी के लिए बड़ा ऐलान कर दिया और वो ऐलान ये कि उनके पैतृक गांव अमरोहा के सहसपुर अली नगर में मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा खेलों को बढ़ावा देने के लिए। प्रशासन की इस घोषणा के बाद गांव में खुशी का माहौल है। और देखिए जस्टिस शेखर बी सराफ को चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। कोलकाता हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने जस्टिस के रूप में पदभार संभाला है। और बड़ी खबर है, प्रदेश में डेंगू मलेरिया के प्रकोप को देखते हुए सरकारी कदमों से इलाहाबाद हाईकोर्ट असंतुष्ट नजर आई और योगी सरकार को तुरंत प्रभाव से प्रभावी ठोस कदम उठाने का निर्देश भी दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी में डेंगू मलेरिया के इंतजाम के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। और खबर है, DGP बोले ऑपरेशन त्रिनेत्र से लगी अपराधियों पर लगाम। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 12,015 मामलों में 16,302 को सजा भी मिली है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण जानकारियां आपके राज्य उत्तर प्रदेश की देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।